तो और भाई लोग कैसे हो सब लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ रैंक पुश के रिगार्डिंग, कि आपका जब कोई रैंक लग जाता है सोलो में अंदर, स्क्वाड में या जिसमें भी जिसमें आप कर रहे हो रैंक पुश। मेरी आप रैंक देख सकते हो कि 2916 चल रही है सोलो के अंदर। तो जब आपको कोई नंबर लग जाता है, कोई आपका रैंक लग जाता है, तब आपको कैसे गेम खेलना है, मैं इसके रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इससे आपको कॉन्करर करने में आसानी रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर वन है कि आपको अननेम्ड प्लेसेस उतरना है, ऐसे प्लेसेस उतरो जिसका कोई नाम नहीं हो, ठीक है, ताकि आपके वहाँ पर काफ़ी कम बंदे आए। आपको स्टार्टिंग में क्या है कि जीरो रिस्क लेना है, क्योंकि जब आप अपर टीयर पे खेलते हो तो आपका माइनस काफ़ी ज़्यादा लगता है, 48 माइनस 47 माइनस अगर आप इनिशियली मर जाते हो तो इतना ज़्यादा माइनस लगता है। तो आपको इस रिगार्ड ऐसे गेम खेलना है अपना कि आप बहुत सेफ रहो, ओके। पॉइंट नंबर टू कि जब आप लैंड कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके आजू बाजू में कोई ना हो। आप ये चीज़ अपने आई बटन से देख सकते हो इधर उधर घुमा करके, कि हो सकता है कि आप जहाँ पर सेफ समझ रहे हो वहाँ पर और भी बंदे आ रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर सेफ समझ के आ रहा था तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर और भी बंदे आ रहे हैं, ठीक है, जैसे पैराशूट पीछे खुला। तो आपको ये चीज़ लैंडिंग के टाइम हमेशा देख लेना है कि आपके आसपास कोई बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एंड एक और बात, आप चिंता मत करो, मैं आपको पूरा गेम प्ले दिखा के बोर नहीं करूँगा क्योंकि सेफ गेम प्ले रहता है जब आप रैंक पुश कर रहे हो। तो आप देखते हो मेरे आजू बाजू में दो बंदे उतरे हैं, ठीक है। तो एक बात और मैं श्योर हो चुका हूँ कि ये बंदे यहाँ नहीं उतरे हैं, आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस कंपाउंड को आराम से लूट सकता हूँ, बट फिर भी थोड़ा सेफ रह के लूटूंगा, ओके। तो एक और चीज़, जब आप लूट रहे हो तो आप कभी भी खुद को सेफ मत समझना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप कभी भी खुद को सेफ मत समझना। जब भी मैं लूटता हूँ मैं प्रोन हो जाता हूँ अगर आजू बाजू में विंडो रहता है तो कोई। तो अभी मुझे यहाँ पे उजी मिल चुकी है जो कि सबसे पावरफुल गन है बिना ड्रॉप वाली, तो मुझे ये मिल चुका है, ठीक है। तो अभी मैं कॉन्फिडेंस हूँ अगर कोई बंदा मेरे पे रश करता है तो मैं उसको डाउन कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी गन गेम काफ़ी ज़्यादा बेटर है। स्नाइपिंग उतनी बेटर नहीं है, बट जो एआर गन है या फिर क्लोज रेंज फाइट है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो उसके लिए मुझे उतना डर नहीं लगता लोगों से क्लोज रेंज फाइट में। तो मैं देखो अब मैं लूट रहा हूँ लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा सेफ रह रहा हूँ, ठीक है। इधर उधर देख रहा हूँ कि कहीं कोई पीछे से आके मार ना दे, अगर उन्हें गन मिल गया होगा तो मेरे पे रश कर देंगे वगैरह वगैरह, ये सब सोच करके आपको खेलना है हमेशा। नहीं तो बहुत सारे बंदे ऐसा करते हैं कि देख लिए एक बंदे आजू बाजू उतरे हैं लेकिन वो दूसरे साइड उतरे हैं तो पूरा फ्री होकर लूटते हैं। तो आपको फ्री होकर नहीं लूटना है, आपको हमेशा देखते रहना है, चौकन्ना रहना है आपको हमेशा कि कहीं आजू बाजू उसको बंदा आप पे रश ना कर दे, ओके। तो मैं यहाँ पे लूट रहा था, तो जब मेरा लूट कंप्लीट हो जाता है अभी, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि उन बंदों पे मैं रश कर देता हूँ। पर एक और बात रशिंग के रिगार्डिंग मैं आपको एक और टिप दूंगा कि आपको डायरेक्ट फाइट कभी नहीं लेना है, ठीक है, आपको हमेशा इनडायरेक्ट फाइट लेना है। तो मैं थोड़ा बहुत और लूट रहा हूँ एमओ वगैरह, बट आपको इतना लूटिंग नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे बंदे जो होते हैं शुरू से अंत तक में लूट ही करते रहते हैं एंड बीच बाद में मर जाते हैं, देन उसका बस 3-4+ लगता है, 3-4+ नहीं, अगर आप इस तरीके से खेलोगे ना तो आपको कम से कम 17-18+ मिलेगा अगर आप अपर टीयर पे हो तब भी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बंदों को कि कैसे कैसे करके मतलब लूट रहे हैं या नहीं लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये बंदे, तो मुझे कोई दिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है, मैं टीपी पे ले लिया, कोई नहीं दिखा, ओके। सो अब मैं यहाँ से, और एक और पॉइंट है कि आपको एक जगह पे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है। मैंने यहाँ पे टीपी पे लिया, ठीक है, मुझे कोई नहीं दिखा, मैं वहाँ से निकल लिया, एक बॉट आया इसको किल किया। अब देखो हर चीज़ को लूटना जरूरी नहीं है, बट मेरे को एक अच्छी गन चाहिए थी, क्लोज रेंज में मैं उजी से मार दूंगा, ठीक है, जब मिड रेंज या फिर थोड़ी सी लॉन्ग रेंज फाइट रहेगी तब मैं किससे मारूंगा, ठीक है। मेरे पास M16 है तो M16 में टपाटप जब तक करूंगा तब तक सामने वाला बंदा मुझे मार जाएगा, क्योंकि मेरे पास लेवल 1 और लेवल 1 का ही हेलमेट वेस्ट दोनों है, ठीक है। तो मैं M762 उठा लेता हूँ, इसके पास कार98 भी रहती है, बट मुझे कार98 नहीं चाहिए इनिशियली, स्नाइपिंग मैं नहीं करता हूँ, मैं स्नाइपिंग हमेशा मोस्टली लास्ट सेकंड में ही करता हूँ। तो अभी मेरे पास दो गन है, मैं क्लोज रेंज फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तो अब मैं उनके ऊपर रश करूँगा। एंड मैं आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया कि आपको डायरेक्ट फाइट नहीं लेना है, आपको इनडायरेक्ट फाइट लेना है, इसलिए मैं नीचे से जा रहा होता हूँ कि अगर कोई बंदा दिखेगा तो मैं उसको मार दूंगा। बट वहाँ पे जाने के बाद मुझे दिखता है कि वहाँ पे बंदे नहीं हैं, ठीक है, मतलब या फिर होंगे तो गन लेकर के बैठ जाते हैं। बहुत सारे बंदे ऐसा करते हैं कि उनको एक गन मिल जाती है तो वो उसी पोजीशन को होल्ड कर रखते हैं, बिना फुटस्टेप दिए कैंपिंग करते हैं, मतलब कैंपर, ठीक है। तो आपको कैंपर से नहीं लड़ना है, जब आपको रैंक लग जाती है आपको बहुत ज़्यादा सेफ खेलना है, क्योंकि अगर आपको कैंपर मार देगा तो आपको पता है आपको माइनस लग जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर आप 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स रिवाइव भी कर लेते हो तब भी आपका माइनस लगता है अगर आप अपर टीयर पे हो तो, ठीक है। तो 20 मिनट से पहले तो आपको फाइट लेना ही नहीं है डायरेक्ट फाइट, ठीक है। तो अभी देखो वहाँ पे कोई फुटस्टेप नहीं दिया, गेट वेट लगा हुआ था, इसका मतलब मैं समझ गया कि बंदे क्या कर रहे हैं, गन ले लिया और एक कोना में पकड़ के बैठे हुए हैं कि मैं जाऊँगा तो वो मुझे आसानी से मार देंगे, क्योंकि कैंपर आसानी से मार देते हैं लोगों को, क्योंकि आपको रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं वहाँ से निकल गया, एंड निकलते टाइम भी देख लो मैं हर तरफ देख रहा हूँ कहीं किसी डायरेक्शन कोई मुझे मार तो नहीं देगा, कोई देख तो नहीं रहा, तो मैं रेडी हूँ हर तरफ से कि अगर कोई मेरे फायर करता है तो मैं उस पर फायर करूँ, इसलिए उसको डरा दूँ, ठीक है। तो ये ट्रिक है आपको, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक जो स्टार्टिंग में काम आएगी आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास एक व्हीकल होना ज़रूरी है।
अगर आप सोलो खेल रहे हो ना तो एक व्हीकल होना चाहिए, एक बाइक हो, बगी हो या फिर कुछ भी हो, बट होना जरूरी है। यहाँ पे मेरे पास ट्रिपला है, मतलब सामने ट्रिपला स्पॉन हुई तो मैं वही लूँगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई व्हीकल नहीं है, बाद में चेंज कर लूँगा इसको। एंड व्हीकल की रिगार्डिंग मैं आपको एक ही चीज़ दूंगा कि जब भी आप व्हीकल ले रहे हो तो हमेशा आजू बाजू देख लो, कहीं कोई व्हीकल को कैंप तो करके नहीं बैठा है कि आप उस पर बैठे हो तभी आपको फायरिंग कर देगा। इसलिए जब भी आप व्हीकल ड्राइव करते हो थोड़ा बहुत आप जिगजैग करके चलाओ गाड़ी, ताकि आपको कहीं हेड ना पड़ जाए, क्योंकि बंदे गाड़ी से ही बंदे उतार देते हैं, तो स्प्रे करके या फिर स्नाइप करके उतार देते हैं। अब सारे नूब नहीं है, सबको खेलना आता है, तो आपको भी यही समझ के खेलना है सामने वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा प्रो है या फिर आपको कोई देख रहा हो, इसलिए जिगजैग करके आपको गाड़ी चलाना है जब भी आप गाड़ी लेते हो तो। ओके, सो व्हीकल के रिगार्डिंग एक और टिप है कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास बगी या फिर यूएस है तो आप बगी लो या फिर यूएस लो, मतलब कि बाइक वगैरह छोड़ दो या फिर डासिया जो है वो छोड़ दो अगर आप सोलो के अंदर हो तो, क्योंकि एक बार बाइक अगर बाइक है तो बंदे गिरा देंगे क्योंकि ओपन आप कवर नहीं बना सकते। यूएस रहती है तो वो जल्दी पलटती नहीं है, तो आप कहीं पर रश करते हो तो उसको आप अच्छे से कवर में भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा कवर है। एंड जो बगी है उसमें आपको पीछे से कवर मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ से अगर कोई पीछे से फायरिंग करेगा तो पीछे सेल पे लगेगा तो मुझे डैमेज नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बगी से खेलो या फिर यूएस से खेलो। अगर यूएस से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर बगी को चूज़ करो ओवर डासिया। बहुत बंदे डासिया उठा लेते हैं बट डासिया आपको नहीं उठाना, क्योंकि डासिया एक बार पलटी तो फिर पलटती ही रह जाती है इसीलिए। एंड अगली चीज़ है कि अगर आप कहीं पे जाते हो एंड आपको पता चलता है कि वो एरिया ऑलरेडी लूटेड है तो उस जगह को आप होल्ड मत करो, क्या पता वहाँ पे कोई बंदा पहले से होल्ड करके बैठा, यहाँ पे देखो ये गेट पहले से खुला था, ऊपर में भी काफ़ी सारे गेट खुले हुए, तो मैं यहाँ से फटाफट निकल जाता हूँ क्योंकि उसका बंदा कैंपिंग करो। सोलो में भैया ऐसी कैंपिंग होती है ना जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ऐसी खतरनाक कैंपिंग होती है, बिना फुटस्टेप दिए कैंपिंग करेंगे एंड आप कहीं पर होल्ड करोगे तो आपके सीधा फटाफट निडाना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी पेटी वही बन जानी। इससे अच्छा है कि आप निकल लो, ऐसे जगह पर जाओ जहाँ पर कोई ना हो। ओके, सो मैं जाता हूँ आगे वाला कंपाउंड में, क्योंकि आगे वाला कंपाउंड में मुझे लगता है कि कोई ना गया होगा, बट मैं जाता हूँ वहाँ पर। देन वहाँ पे एक बंदा रहता है जिससे मेरी फाइट होने वाली है। ओके, सो देखो आपको फाइट किस तरीके से लेना है, आपको सीधा दिखाता हूँ, सीधा बताता हूँ कि अगर आपको फाइट हो रही है ठीक है एंड आपको लग रहा है कि वो जो सामने वाला बंदा है तो आपको आपसे अगर वो अच्छा खेलता है तो आप निकल लो सीधा, फटाफट सीधी बात है निकल लो वहाँ से, क्योंकि आपको गेम में माइनस करवाना नहीं है। अभी देख सो 49 माइनस है, मतलब 49 माइनस बोलते 49 अलाइव है, अगर इस टाइम पे मैं मरता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा माइनस लगेगा क्योंकि मेरी रैंक नहीं है अच्छी। एंड अगर आपको प्लस चाहिए ना तो आपको रैंक भी चाहिए, सर्वाइवल टाइम के साथ साथ रैंक चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं 20-25 मिनट सर्वाइव भी कर लेते हैं बट तब भी उनको प्लस नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उनको रैंक ही नहीं मिलता है, रैंक चाहिए आपको सोलो के अंदर। अच्छा, टॉप 10 में अगर आप आ जाते हो, अगर आप 20 मिनट भी सर्वाइव करते हो ना तब भी आपको प्लस लगेगा अच्छा खासा, अगर 20 मिनट आप सर्वाइव करने के बाद भी टॉप 10 में नहीं आते हो तो आपका प्लस नहीं लगेगा अच्छा खासा। ये चीज़ मैटर करती है सोलो के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो अभी देखो मैं यहाँ पे नेट वेट करने की कोशिश करता हूँ उस बंदे के ऊपर बट वो नहीं मरता है, तो फिर मैं क्लोजिंग कर देता हूँ उसके, मैं वीडियो को कट करके दिखाता हूँ, मैं काफ़ी सारे ग्रेनेड वगैरह करता हूँ बट वो नहीं मरता, थोड़ा सा डैमेज होता है पर भाग जा रहा था बार बार, ठीक है? मतलब बंदा अच्छा खेल रहा था, मैं वीडियो को कट करके थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्लोजिंग कर दिया एंड वो बंदा यहाँ से मूव करके नीचे की ओर चला गया, मतलब वो ग्राउंड फ्लोर पे चला गया, तो मुझे उसके ऊपर रश करना था क्योंकि मुझे किल्स भी चाहिए, किल्स चाहिए तभी तो प्लस होगा अच्छा खासा। ओके, तो किल्स भी चाहिए थे तो मैं सोचता कि रश करूँ उसके ऊपर एंड मार दूँ उसे, बट ऐसा था कि वो उस बंदे को भी अच्छे से खेलना आता था, ठीक है? तो मैं हल्का सा जैसे ही अंदर जाता हूँ तो देखो कितना गंदा डैमेज करता हूँ, मुझे हल्का सा बच जाता। अब देखो वो बंदा जानता है कि मैं लोग हूँ तो वो मेरे ऊपर सीधा रश करेगा, मैं देखो किस तरीके से बचता हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है? अगर आप बंदा रश कर रहे हैं आप पूरा पूरा उसको पैनिक करा दो, मतलब या तो उसे पैनिक करा दो या फिर उसको अपने ऊपर रश मत करना, वो इधर उधर से पूरा एंगल ढूंढ रहा है कि वो मेरे ऊपर रश करे, जंप कर रहा है इधर उधर, मैं भाग जा रहा हूँ बार बार क्योंकि मुझे रिस्क लेना ही नहीं, मुझे रिस्क क्या, मतलब वो उसका वो डोमिनेट करेगा अगर क्लोजिंग कर देता है तो, क्योंकि वन एच में बंदा क्या ही खड़ लेगा, मैं उसका क्या ही खड़ लूँगा। तो मैं इसी तरह ग्रेनेड करता हूँ, मतलब पिन खींचता हूँ, उसे लगता है ग्रेनेड है, मैं नीचे आता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, ठीक है? अब मेरे पास टाइम है हील करने का, मैं आराम से जाऊँगा थोड़ा सा कवर में फिर हील करूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, सामने वाले बंदे को चकमा दे सकते हो इस तरीके से, ठीक है? अब वो बंदा ऊपर होल्ड कर रहा है आराम से, अब मुझे पता है कि भाई सामने वाला बंदा का एम अच्छा है, वो भी अच्छे से खेलना जानता है, नूब नहीं है बंदा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। देखो भाई कोई शर्म वाली बात नहीं है भागना, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आप माइनस ना लगे ना तो भाग जाओ, ठीक है? अब मैं बाहर की ओर निकलता हूँ तो पता चलता है कि यहाँ पे भाई ऑलरेडी एक और बंदा थर्ड पार्टी का, मैं सोचता हूँ कि अगर वो रश करेगा तो मैं ये इसे फोड़ करके उसे मार दूंगा, बट जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे डीपी का फायर आता है कहीं से बहुत दूर से, ठीक है? इसका मतलब कि कहीं और भी कोई बंदा है जो कैंपिंग करके बैठा है, ठीक है? तो हमें थर्ड पार्टी करने की कोशिश करेगा वो, तो मैं इसलिए यहाँ से भाग जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे दो बंदे रहते हैं, एक ये और एक थर्ड पार्टी करने वाला। तो काफ़ी देर से हमारी फाइट चल रही है, आप देख ही रहे हो, मैं एक और ट्राई करता हूँ बट वो नहीं आता है। तो फिर भाई काफ़ी देर तक टीपीपी खेलने के बाद, मतलब तो वो भी टीपीपी ले रहा है, मैं भी टीपीपी ले रहा हूँ, तो इतना देर खेलने के बाद मैं समझ गया कि भाई हमारी फाइट नहीं होने वाली है, फिर होगा तो यहाँ पे आप तो मैं मरूंगा या तो वो मरेगा, तो रिस्क लेना है आपको, मैंने बोला कि जीरो रिस्क लेना है आपको, तो मैं इज्जत से निकल जाता हूँ यहाँ पे एंड मुझे मिलती है एक यूएस, तो मैं यूएस बदल लेता हूँ एंड काफ़ी अजीब तरीके से गेटिंग हुआ इसके अंदर। हाँ,
तो खैर मुझे एक यूएस मिलती है यहाँ पर जिसको मैं लेता हूँ एंड सीधा कवर में मतलब जोन के अंदर जाने की ट्राई करता हूँ। तो जोन के अंदर जाता हूँ एंड मैं आपको एक और टिप दूंगा यहाँ पर कि अगर आप कभी भी जोन के अंदर जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि कंपाउंड होल्ड करना है फिर कोई घर को होल्ड करना है, तो अगर आप जाते हो वहाँ पर तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि कभी भी ऊपर जाने की ट्राई ही मत करना, क्योंकि ऊपर बंदे या तो टीम अप करके बैठे रहेंगे, सोलो के अंदर बहुत गंदा टीम अप होता है भाई, बहुत गंदा, एक एक दो दो तीन तीन बंदे, चार चार बंदे, मैंने 16 बंदों को टीम अप करते देखा है, मानोगे नहीं आप, हालांकि बाद में आपस में लड़ मर के मर जाते हैं, बट हाँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ऊपर जाने का ट्राई भी नहीं करता हूँ भाई, मैं किसी भी घर में गया ना कभी ऊपर जाने का ट्राई नहीं करता हूँ, मैं नीचे ही होल्ड करता हूँ। अगर नीचे कोई बंदा है तो मैं उसे किल कर दूँगा आराम से, मुझे मेरी गन गेम पे भरोसा है पूरे अच्छे से, ठीक है। एंड ऊपर में नेट का भी चांस रहता है कि ऊपर में नेट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, अब मुझे वहाँ पर शेक पे हल्की सी मूवमेंट नज़र आती है, तो मैं ऐसे ही रैंडमली एक फायर करता हूँ, ठीक है। वो जो शेक आपको बहुत दूर में दिखाई दे रही होगी उसके ऊपर मैं वहाँ पर बस एक रैंडमली ऐसे फायर करूँगा ताकि अगर कोई होगा तो मूवमेंट देगा। एंड गेस व्हाट, वहाँ पे सच में एक बंदा रहता है जो देखो मूवमेंट दिया अभी भागा वो, ठीक है। तो मैंने इसी तरह रैंडम फायर किया, मुझे कंफर्म नहीं था कि वहाँ बंदा है या नहीं, हो सकता है मुझे ग्राफिक के लिए छुआ हो कुछ भी। तो तभी मेरे पे जो बंदा रहता है, एक और बंदा आता है यहाँ पे और रश करता है मेरे ऊपर, तो वहाँ पे वो देखो ग्रेनेड का पिन खींचता है, ठीक है। मुझे जैसे ही ग्रेनेड के पिन खींचने की साउंड आती है ना एंड देखता हूँ कि वो फेंकने ही वाला, थोड़ा देर वेट करता हूँ, वो कैंसिल नहीं करता इसका फेंकने वाला, तो मैं भागता हूँ तुरंत, पोजीशन चेंज करता हूँ क्योंकि डेफिनेटली अगर कुक करके फेंका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वहाँ पर ग्रेनेड फेंक देता है, वो फूटता भी है ग्रेनेड। अब वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा, देन रश करेगा दोबारा से ग्रेनेड की, वो भाई पक्का ग्रेनेड होगा, मेरे ऊपर पूरा ग्रेनेड करने की कोशिश करता है, ग्रेनेड से मार दूंगा। बट भैया हम भी थोड़े कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, तो वो बंदा आता है ग्रेनेड करता है। यहाँ पे मेरी HP आप देख सकते हो थोड़ी सी लो है क्योंकि मेरे पास बूस्टर नहीं था, मेरे बूस्टर खत्म हो चुके थे। तो यहाँ पर देखो वो बंदा आता है, रहने फ्री फायर कर रहा था बंदा, मैं भैया फ्री फायर में नहीं आने वाला पोपट मत समझियो मेरे को, मैं कभी भी भाई सामने वाला बंदा अगर फ्री फायर कर रहा होता है ना मैं TPP छोड़ता ही नहीं हूँ भाई, तुम कर लो फ्री फायर, जब उसकी गन की बुलेट बुलेट खत्म होगी ना तब मैं बाहर निकलता हूँ। तो इसके साथ इस बंदे के साथ भी वही हुआ, ये मेरे फायर कर रहा था, पूरा फ्री फायर दिया भाई, बंदा बाहर निकलेगा, मैं निकला ही नहीं बाहर, मैंने इसका पोपट कर दिया उल्टा। तो इस तरीके से आप भी कर सकते, अगर कोई बंदा आप फ्री फायर करा आप होल्ड कर लो, मत जाओ बाहर, जैसे गन रिलोडिंग पे जाए आप हमला कर दो। ऐसा हुआ, मेरे को लूट मिल गया, लेवल 3 का हेलमेट भी मिल गया, स्नाइपर है ही मेरे पास, स्कोप वगैरह सब कुछ, मैं रेडी हूँ भाई अब फाइट लेने के लिए, लॉन्ग रेंज फाइट, क्लोज रेंज फाइट, सब कुछ लेने के लिए मैं रेडी हूँ। एक इस बंदे ने मेरी अच्छी खासी हेल्प कर दी, लूट भी मिल गया अपने को प्रॉपर। ओके सो अब बात आती है कि आपको, अब देखो लास्ट सर्कल बनने वाला है लेकिन अभी भी 30 अलाइव है, मैं इस टाइम पे चाहे मैं 25 मिनट तक सर्वाइव कर चुका हूँ बट इस टाइम पे अगर मैं मर जाता हूँ ना तो मेरा प्लस नहीं लगेगा, 2 या 3 प्लस होगा। तो मेरे को रैंक चाहिए, मेरे को 2 किल हो चुका है, एनफ है भाई, 17 प्लस 18 प्लस करने के लिए एनफ है 2 किल अगर आप अच्छे रैंक में मरते हो तो, या फिर चिकन डिनर निकाल लेते हो तो फिर तो भाई सोने पे सोगा मज़ा ही आ जाएगा। बट अगर चिकन डिनर नहीं होता है एंड आप टॉप 10 के अंदर आ जाते हो तब तो अच्छा खासा प्लस हो जाता है तब भी, ठीक है, बिना किल के भी। तो अभी देखो मैं यहाँ से जाऊँगा, अब जोन टू जोन खेलना है मुझे क्योंकि जोन आ रहा है पीछे से, तो मैं गाड़ी बदलता हूँ। इस गाड़ी में देखो गाड़ी डैमेज है, फ्यूल भी नहीं है उतना, तो मैं वापस से अपनी गाड़ी चलाता हूँ, ये मेरी गाड़ी है, मैं लेकर के आया था यहाँ पर। तो हाँ, अब देखो मैंने मैप पे मार्क लगा दिया था कि मुझे उस जगह पर जाना है, क्योंकि आपको जोन के बीच में नहीं जाना है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जोन के बीच में चला जाऊंगा कि अगला सर्कल जोन के बीच में ही रहता है हमेशा, तो जोन के बीच में मैं नहीं जाता, मेरे पे यहाँ पे फायरिंग होता है, मैं गाड़ी हल्का से पीछे करता हूँ अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करता हूँ बंदा कहाँ, यहाँ तो नहीं है कहीं, यहाँ पे नहीं है कोई बंदा, ठीक है, मैं अंदर आ गया। जब भी आप जोन के अंदर जा रहे हो किसी कंपाउंड को या फिर किसी भी शेक को होल्ड करने, आपको हमेशा रेडी रहना है, ये मान के चलना है कि उसके अंदर बंदा होगा, ठीक है। तो मैं भी यही मान के आया था, पूरा रेडी था मैं कि फाइट लूँगा, ठीक है, बंदे के या तो मारूंगा या तो मर जाऊंगा, क्योंकि अब माइनस होने का सवाल तो बनता नहीं है, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर माइनस होने का सवाल नहीं बनता तो आप पूरा फुल रश कर दो, लेकिन अगर मर जाओगे तो फिर अच्छा खासा प्लस भी नहीं होगा, इसलिए ये सोच करके नहीं खेलना है आपको, ये रेडी रहना है कि आपको उस बंदे से फाइट लेना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप पूरा रश ही कर दोगे, ठीक है, ब्लाइंड रश ऐसा नहीं करना है आपको। तो अब यहाँ पे मैं होल्ड करूँगा जब तक जोन ना आ जाए, जोन का टाइम ना आ जाए, ठीक है। अभी जोन आने में बहुत सारा टाइम है, तो मैं आराम से यहाँ पे होल्ड करूँगा एंड जब जोन आने लगेगा तब मैं जाऊँगा। तो मैं मैप खोल के डिसाइड करता हूँ कि भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं प्लानिंग करता हूँ, प्लानिंग करके खेलना चाहिए हमेशा। ओके सो मैं आपको टाइम आगे बढ़ाता हूँ गेम को। हाँ, तो मैंने मैप खोल करके डिसाइड कर लिया कि मेरे को कहाँ पर जाना है, तो उसी हिसाब से मैं गाड़ी लेकर के सीधा वहाँ पे जाता हूँ। मेरी HP पूरी है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अगर फाइट होता है तो मैं वहाँ पे फाइट ले लूँगा, मैं यही सोच कर जाता हूँ कि अगर वहाँ बंदा होगा तो फाइट लूँगा सीधा, या तो मारूँ लेकिन फाइट लूँगा, लेकिन उसी कंपाउंड होल्ड करूँगा जहाँ पे मैंने सोचा है, ठीक। तो इस तरीके से मैं जाता हूँ, मुझे मिलता है यहाँ पे पत्थर, ठीक है, तो उस कंपाउंड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जोन के अंदर ये पत्थर रहता है, मैं सोचता हूँ इसी पत्थर को किसी तरीके से एडजस्ट करके मैं कवर बना लूँ एंड इसी को यूज़ करूँगा मैं कवर एज अ कवर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं स्नैपिंग वगैरह भी कर सकता हूँ आराम से, कोई इशू नहीं होगा मुझे। तो यहाँ पे आता हूँ मैं होल्ड करने के लिए। अब देखो भाई सोलो ऐसा है ना कि अगर आप अपर लॉबीज में, कॉन्करर लॉबी लगती है हमेशा भाई, आपको अगर रैंक मिल गया ना एक बार तो हर बार कॉन्करर लॉबी लगेगा। ये भी कॉन्करर लॉबीज में कितने सारे बंदे लॉबी के अंदर कॉन्करर वाले थे ना टाइटल में, शायद 3-4 बंदे को मैंने देखा था जिनके पास सीजन 12 कॉन्करर का टाइटल था, ठीक है। तो
आप देखते हो बहुत सारे बंदे रहते हैं लॉबी के अंदर, देखो 21 अलाइव है, इतना छोटा सर्कल है, गाड़ी लेकर के हर जगह, हर बंदे के पास गाड़ी है, क्योंकि व्हीकल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो बंदा रैंक पुश कर रहा था वो समझता है इस बात को, इसलिए वो व्हीकल रखता ही रखता है अपने पास। हो सकता है किसी कारण से आपके पास व्हीकल ना हो, बट उस गेम में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। तो अगर आपको इजी सर्वाइव करना है तो आपको व्हीकल होना चाहिए। अब देखो पीछे से क्या होता है, एक बंदा आता है जोन से बाहर, डैमेज रहता है पहले से, एंड वो उस पेड़ के, अब देखो वो बंदे की बेवकूफ़ी ये रहती है ना कि वो खुद को सेफ समझता, आपको ऐसा सेफ नहीं समझता। मैं देखो कहीं पर भी रहता हूँ, हमेशा मूवमेंट देते रहता हूँ, कभी भी एक जगह स्टिल नहीं रहता हूँ। आया इजी स्नाइप, बंदा गेट डेड, लेवल 3 का हेलमेट लो था। अगर बंदा मूव करके रहता हल्का फुल्का या फिर स्मोक करके हील करने की कोशिश करता तो बच जाता वहाँ पर, बट वो ऐसा नहीं करता। तो आप कभी भी खुद को सेफ मत मान। देखो मैं यहाँ पे कवर ले रहा हूँ, ठीक है, बट तभी मेरी मूवमेंट देखो, मैं कभी भी मूवमेंट को रोकता नहीं हूँ अपनी। सॉरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी जा रही है, प्लीज़ मेरे भाई माफ़ कर देना, इसके लिए मैं एक ही वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँ, इसीलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी जा रही है। तो आप देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा मूव कर रहा था कि अगर कोई बंदा मेरे को देख भी रहा होगा तो स्नाइप नहीं कर पाए। एंड जो अगली चीज़ है, लास्ट रकम में लूटना नहीं भाई, कभी भी अगर आपके पास चाहे 50 एमओ बच रहा हो ना, एमओ कम हो, लास्ट रकम में लूटना नहीं है। मेरे पास एमओ कम है, आपको मैं दिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग से तो कम था, जितना 80 एमओ था समथिंग, उस बंदे को मार करके थोड़ा बहुत एमओ मिला था मेरे पास, पर फिर भी जितनी एमओ रहनी चाहिए उतनी एमओ नहीं रहती है लास्ट रकम के हिसाब से, तभी मैं लूटता नहीं, क्योंकि लास्ट में मैं कितने बंदों से फाइट लूँगा, 3 से 4 बंदों से ज़्यादा फाइट लूँगा, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ कि जोन में एक कवर बना दूँ, ठीक है, उस कवर को एज ए यूज़ करूँ, कवर को यूज़ करूँ, ठीक है। यहाँ पे पेड़ रहता है, सामने घर की तरफ बंदा रहता है, तो मैं इस तरीके से कवर बनाता हूँ ताकि मैं दो तरफ से कवर में रहूँ आराम से, घर वालों बंदों से भी और सामने वालों बंदों से भी। अब देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है मूवमेंट, क्योंकि सामने भी बंदा रहता है, ठीक है, मूव कर रहा होता है वो, तो स्नाइप नहीं कर पाया, खैर छोड़ो। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बंदा मेरे पे रश करता है, एंड मैं भाई हमेशा रेडी रहता हूँ कि अगर कोई मेरे ऊपर रश करता है तो मैं किस तरीके से अपने आप को बचा सकता हूँ। यहाँ पे देखो व्हीकल जो है थोड़ा सा डैमेज है, मैं व्हीकल को फोड़ देता हूँ ताकि प्रॉपर कवर बन जाए। अब देखो जोन यहीं पर है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फोड़ दो व्हीकल, कवर बना लो। मैं टायर फोड़ देता हालांकि ज़्यादा बेटर रहता है, बट टायर फोड़ना मैं भूल गया, बट कोई नहीं, चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं हील करता हूँ। अब देखो मेरे पास बूस्टर शायद नहीं था इस टाइम पे, क्योंकि मैंने लूटा नहीं था, तो इतना ही हेल्थ के साथ मुझे करना पड़ेगा काम, ओके। मैंने आपको बोला लूटना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं भी नहीं लूटा। अब क्या होता है, एक गाड़ी आती है यहाँ पर, सीधा मेरे पेड़ के पास रुकती है, एंड वो मुझे थोड़ा सा डैमेज भी दे देता है। मैं देखो उसको किस तरीके से मारता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं प्री फायर करने की कोशिश करता हूँ, बट वो बंदा भी चलाक रहता है, वो प्री फायर में आता ही नहीं है मेरे। तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी फोड़ देता हूँ, क्योंकि वो फूटी गाड़ी को एज अ कवर यूज़ कर रहा था मेरे से बचने के लिए, तो मैं सीधा गाड़ी फोड़ देता हूँ, जिससे वो इजिली मर जाता है, मुझे किल मिल जाता है। अब मेरे पास हेल्थ का सामान नहीं था यहाँ पे, मेरे को एचपी फुल करनी थी, तो मैं इसको लूटता हूँ। अगर आपके पास सब कुछ रहे ना, तो इतनी नज़दीक में भी अगर किसी का डेड बॉडी है तो मत लूटो, ठीक है, मैं इसी चीज़ को सजेस्ट करूँगा। अब देखो यहाँ पे 3 बंदे हैं, एंड भाई ऐसा सीन रहता है ना कि एक मैं आपको मैजिक ग्रेनेड दिखाऊंगा मेरे द्वारा, जो कमाल ही कर देता है, मैजिक ग्रेनेड कहूंगा मैं उसको, ओके। सो अब लोगों से बचते बचाते मैं किसी तरह से लास्ट सर्कल में आ गया था, अभी हीलिंग जोन होने वाला था, ठीक है। किसी ने मेरे पे ग्रेनेड किया तो मैं भी उसके ऊपर ग्रेनेड करता हूँ, बट मेरा ग्रेनेड जो ज़्यादा दूर तक जाता ही नहीं, मेरे पास ही गिर जाता है, जिस कारण मैं अपने ग्रेनेड से ही मर जाता हूँ। इसलिए मैंने बोला मैंने मैजिक ग्रेनेड किया, भाई मैजिक ग्रेनेड से आप खुद मर जाते हो। तो आप देख सकते हो कि खुद ही मर गया मैं, हालांकि मैं 4 किल कर पाया, सिर्फ 4 किल किया तब भी मेरे 23 प्लस हुए। तो इस तरीके से अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हो तो आप अच्छा खासा प्लस निकाल सकते हो। मैंने कोई रश नहीं किया कहीं पर, सिर्फ होल्ड करके खेला, ठीक है, आराम से गया, फाइट ली, हल्की फुल्की फाइट ली, तो 23 प्लस मिला। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।